प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आज की कक्षा 7 में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य का पाठ 3, पेड़ पैसों का। है ना आश्चर्य की बात कि मैं आप सभी के लिए कौन सा पाठ लेकर आई हूँ? पैसों का पेड़। अर्थात क्या पैसों का पेड़ होता है? ऐसा क्या संभव है? देखते हैं संभव है या असंभव है। तो आइए देखते हैं इस पाठ में हमें क्या बताया जा रहा है। इस पाठ के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि ये जो पैसों का पेड़ है, जो हमारा इस पाठ का शीर्षक है, वो हमारी दुनिया में सत्य तो नहीं है, लेकिन इसको हम किसी न किसी प्रकार से बात करने के तरीके से इसको एक प्रमाण के तौर पर हमने इसको सत्य बनाया है। केवल छोटे छोटे बच्चों के रूप को देखते हुए बच्चों के साथ हमने खेल सा खेला है और इसको सही मायने में दर्शाया है कि पेड़ पैसों का किस प्रकार से लग सकता है, या हमें मतलब एक खेल के माध्यम से ये बताया है कि पैसों का पेड़ अर्थात जो भी हम ज़रूरतमंदों के लिए कार्य करते हैं, पैसों की आर्थिक जो उनकी मदद करते हैं, वो हमें किस तरीके से करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर्थिक सहायता करने में बहुत आगे होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ को सही नहीं समझते या करना नहीं चाहते या सोचते हैं हल्के में ले लेते हैं थोड़ा सा। तो ये पार्ट उन्हीं को लेकर के है कि कभी भी इस तरीके का कोई भी सहायता अगर हमें करनी पड़े तो हमें अवश्य करनी चाहिए, और किसी की मदद करने के लिए अगर हमें थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठ झूठ नहीं रहता। कहते हैं ना कि अगर किसी का जीवन बचाने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़े तो वह झूठ तो सत्य से भी बढ़कर होता है। तो इस पाठ में भी वही बताया गया है। इस पाठ में कुछ पात्र हैं जिनके नाम हैं इस प्रकार, रीता, विमल, मोहन, वीरू और मिथुन। ये पाठ में जो है पात्र हैं, ये 5 पात्र हैं। तो अब देखते हैं इन पात्रों के द्वारा इस पाठ में क्या है। तो मंच पर 10-12 गमले रखे हैं। कितने गमले रखे हैं? 10-12 गमले रखे हैं, और 4-5 बच्चे मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए लूडो खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? चारों तरफ बैठे हैं मेज के और क्या गेम खेल रहे हैं? लूडो। मोहन बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा करता हुआ छोटी सी संदूकची और कागज के छोटे छोटे राष्ट्रीय झंडे लिए हुए प्रवेश करता है। एक बच्चा है मोहन, वो क्या करता है बाढ़ पीड़ितों के लिए, कि कहीं बाढ़ आ गई है तो जो बाढ़ से आहत हुए हैं, जो जिन्होंने बाढ़ को देखा है या जिसकी बाढ़ की वजह से जो परेशान हो गए, अपना घर बार उनका ख़त्म हो गया है, घर चले गए हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो ऐसे ही लोगों के लिए उसने जो है चंदा इकट्ठा करना किया। चंदा क्या होता है बेटा? जब हम किसी की मदद करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए थोड़े थोड़े पैसे अपने आसपास के लोगों से इकट्ठा करके वहाँ तक पहुँचाते हैं और उनकी मदद होती है, उसको क्या कहते हैं? चंदा। तो संदूकची एक छोटा सा बॉक्स लिए हुए वो आता है, साथ में राष्ट्रीय झंडे लिए हुए वे उन बच्चों के पास आता है। तो जो उनमें एक बच्ची है रीता, वो लूडो खेलते हुए कहती है, लो मोहन आ गया, आओ मोहन, क्योंकि वो उन्हीं का फ्रेंड है कि लो भाई मोहन आ गया। तो विमल कहता है, आओ आओ मोहन मेरी जगह खेलो। दूसरा उनका दोस्त बोलता है कि भाई मेरी जगह तुम खेलो। तो मोहन कहता है, मैं खेलने नहीं आया हूँ, बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। मोहन क्या कहता है कि मैं खेलने नहीं आया हूँ, मैं बहुत ही आवश्यक काम से आया हूँ। तो रीता कहती है, कभी खेला भी करो मोहन, हर वक्त पढ़ना और काम करना। उसकी दोस्त कहती है कि भाई कभी कभी आप खेल भी लिया करो, हमेशा आप पढ़ते ही रहते हो या फिर काम ही करते रहते हो। मोहन संदूकची बजाता हुआ, संदूकची पे थाप देता हुआ कहता है कि चंदा जमा करने आया हूँ इस वक्त। वो क्या कहता है कि मैं इस वक्त जो है चंदा जमा करने आया हूँ, खेलने के वक्त खेलता भी हूँ, मेरी बात सुनो, मैं बिहार के पीड़ितों के लिए चंदा लेने आया हूँ। अब वो क्या कहता है, कहाँ के लोगों के लिए चंदा लेने आया था मोहन? बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए, अर्थात बिहार में जो है बिहार में बाढ़ आ गई थी, तो बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है मोहन चंदा लेने आया था। बहुत भारी बाढ़ आई है बिहार में, लोग भूखों मर रहे हैं, उनके घर गिर गए हैं, सब सामान बह गया है। अर्थात मोहन उन्हें बताता है बाढ़ के विषय में कि काफ़ी तबाही बाढ़ के कारण हुई है, लोगों के घर बह गए हैं, भूखे हैं लोग, पहनने तक के लिए भी उनके पास कपड़े नहीं है, उनका सब सामान बह गया है। तो वीरू जो उनका एक और दोस्त है, वो कहता है कि इतनी भयानक बाढ़ आई है। मोहन कहता है, हाँ भाई, हजारों लोग बेघर बार हो गए हैं। बेघर बार मतलब बिना घर बार के हो गए, उनके घर बह गए हैं।
उनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं है। अब उनके पास क्या है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक अन्न का दाना भी नहीं है, पहनने के लिए चीथड़े भी नहीं है वीरू भाई, है ना। अब वो क्या कहता है मोहन कि भाई उनके पास अन्न का दाना भी नहीं है, पहनने के लिए चीथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े भी नहीं रह गए हैं, सब बाढ़ बहा करके ले गई है। तो मिथुन कहता है तो इसका इंतजाम तो सरकार करेगी। अब बच्चे हैं, बच्चों वाली बात करते हैं कि इसका इंतजाम तो सरकार को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मोहन कहता है हमें भी कुछ करना चाहिए मिथुन। अब मोहन है वो भी उन्हीं का की उम्र का बच्चा है, लेकिन बहुत समझदार बच्चा है। तो कहता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, इसलिए हमने अपना एक सहायता कोष बनाया है। सहायता कोष मतलब एक खजाना बनाया है, सहायता खजाना कोष मतलब संचय करने का, कि जिसमें हम उनकी सहायता के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे, जो भी जमा कर पाएंगे उन्हें भेज देंगे। अब जो भी कुछ हम वहाँ पर अपने पास इकट्ठा होगा वो हम बाढ़ पीड़ितों के लिए बिहार सरकार को भेज देंगे। अब विमल कहता है तुम भी मोहन ये बेकार के पचड़े ले बैठते हो। मोहन क्या कहता है, बेकार के पचड़े मतलब, पचड़े मतलब बेकार की बातें लेकर के बैठ जाते हो, मौत से लूडो खेल रहे थे तुम पैसे मांगने आ गए, हमारे पास पैसे कहाँ। वो कहता है कि हम तो बड़े मजे से जो है लूडो खेल रहे थे, अब तुम अब पैसे मांगने आ गए हो, है ना। तो मोहन कहता है अरे तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलते विमल। अब मोहन कहता है तुम्हें अपने घर से तो पैसे मिलते हैं ना भाई, आजकल के बच्चों को पॉकेट मनी सभी को मिलती है, तो तुम्हें भी घर से पैसे मिलते हैं, कितने पैसे तुम रोज स्कूल में खाने पीने में खर्च करते हो। अब इतने पैसे तुम्हें मिलते हैं कि तुम अपने स्कूल में भी खाने पीने में उन पैसों को खर्च करते हो, थोड़ा सा इसमें भी दे दो। अब वो अपनी संदूकची पे हाथ बजाता है और कहता है कि भाई थोड़ा सा चंदा इसमें भी डाल दो, लाओ रीता मिथुन कुछ निकालो। अब वो मोहन उनसे पैसे मांगता है तो वीर भैया हमारी जेब तो खाली है, अपनी जेब दिखाते हुए बोलता है कि हमारी जेब तो खाली है, हमारे पास तो कुछ नहीं है मोहन, तो घर से मांग लाओ। अब मोहन कहता है कि अब जैसे तुम अपने लिए पॉकेट मनी मांगते हो ऐसे ही चंदे के लिए भी पैसे मांग लाओ। तो मिथुन कहता है इस वक्त घर कौन जाएगा, रखो संदूकची एक बजी लूडो हो जाए। वो कहता है कि इस वक्त तो मैं घर नहीं जा सकता, कौन इस समय घर जाएगा, अभी हम लोग खेल रहे हैं, तुम यहाँ संदूकची रख दो और भाई फिर हमारे साथ लूडो की एक एक बाजी और खेल लो। तो रीता कहती है और लोगों से चंदा ले लेना मोहन। अब रीता कहती है कि और लोग जो और लोग हैं उनसे चंदा ले लो, तुम हमारे ही पास क्यों आयो, अपने साथियों से मत वसूल करो, अर्थात तुम अपने साथियों को बख्श दो और लोगों से ले लो। तो मोहन कहता है तुम चार चार आने भी नहीं दे सकते, चार आने मतलब 25 पैसे, कि चार चार आने भी नहीं दे सकते, वैसे आठ आठ आने की टॉफियां चॉकलेट खा जाओगे, वैसे तो आठ आने यानी 50 पैसे की तुम टॉफी और चॉकलेट सब कुछ खा जाते हो, लेकिन अब तुम क्या चार चार आने भी नहीं दे सकते। तो मिथुन कहता है खाया हुआ अपने पेट में जाता है, जो उनका दोस्त है वो कहता है कि जो हम खाते हैं ना अपने पैसे से वो कहाँ जाता है, वो हमारे ही पेट में जाता है। तो मोहन कहता है लेकिन तुम्हारा दिया हुआ चंदा दूसरे के पेट में भी जाएगा, कि जो तुम चंदा दे रहे हो उससे क्या होगा, दूसरे का पेट भरेगा, वो उसे भोजन मिलेगा। कितनी अच्छी सोच है उसकी मोहन की, कि जो तुम चंदा दोगे उससे क्या होगा, दूसरे का पेट भरेगा और वो उसके पेट में जाएगा, जो भोजन उसे मिलेगा, गरीबों का पेट भरेगा। वो कहता है कि गरीबों का पेट भरेगा। तो विमल कहता है खेलो भाई, ये मोहन तो नेता हो गया है। अब उसका उपहास करते हुए उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं भाई तुम सब खेलो, ये तो नेतागिरी में आ गया है। सब बच्चे मोहन की ओर से उदासीन होकर अपने खेल में मशगूल हो जाते हैं, मतलब उसकी तरफ नहीं देखते, उदासीन हो जाते हैं, उसको तवज्जो नहीं देते और अपने खेल में लग जाते हैं। मोहन के दिमाग में कोई मज़ेदार बात आती है। अब मोहन की तरफ जब वो देखना बंद कर देते हैं तो मोहन के दिमाग में कोई एक बात आती है कि किस तरीके से इसका इनसे चंदा लिया जाए। उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है और वह संदूक ची पटक कर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। वो क्या करता है, उसका दिमाग जो है एक आइडिया आता है उसके दिमाग में, और अब वो क्या करता है अपनी संदूक ची को तो रख देता है और उनके साथ खेलने बैठ जाता है। तो मोहन कहता है कि मैं भी खेलूंगा, बीच में घुस जाता है। तो मोहन भी उनके साथ खेलने लगता है और बीच में घुस जाता है। मिथुन जो है आ गए रास्ते पर। अब मिथुन जो उनका दोस्त था वो कहता है भाई मोहन तुम आ गए रास्ते पर, लगे खेलने, तुम भी तो बच्चे हो ना हमारी तरह, तो तुम्हारा भी मन जो है वो खेलने का कर ही रहा होगा। ए वीरू तुम जरा हटो, मोहन को खेलने दो। वीरू हटकर खेल देखने लगता है और मोहन 3-4 बार गोटी फेंक कर एकाएक जैसे कुछ याद करने को मतलब कोशिश करता है। तो मोहन उसे कहता है वीरू से कि तुम हटो है ना और खेलने दो, मोहन को खेलने दो। तो मोहन जब वो वीरू हटता है और मोहन खेलता है तो वो खेलते खेलते मोहन जो है कुछ याद करता है। तो रीता क्या हुआ मोहन, अब रीता उससे पूछती है कि मोहन तुम्हें क्या हुआ। तो मोहन कहता है एक बहुत ज़रूरी बात याद आ गई चुटकी बजाकर, मैं जरा जादू का काम कर लूँ।
वो कहता है मैं ज़रा जादू का काम कर लूँ। तो वीरू कहता है जादू सीखा है क्या? तो मोहन कहता है ऐसा वैसा जादू नहीं है, बहुत फायदे का जादू सीखा है, और जादू भी क्या एक मंत्र है। अब सब पूछते हैं कि भाई तुमने जादू सीखा है क्या? तो कहता है जादू भी ऐसा वैसा कुछ नहीं सीखा है, बहुत फायदेमंद जादू है, और वो भी केवल एक मंत्र है। तो मिथुन कहता है कि मंत्र कैसा मंत्र है भाई? तो मोहन कहता है जैसे मंत्र याद करते हुए। अब मंत्र याद करते हुए कहता है कि इस मंत्र से पैसों का पेड़ लगाया जाता है। अब पैसों का पेड़ लगाया जाता है, सबको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, सारे बच्चे जो थे वो आंखें फाड़ कर मोहन को ताकते हैं और लूडो एक तरफ कर देते हैं। अब सबके दिमाग में क्या आता है कि भैया पैसों का पेड़ कैसे लगता है देखे। तो अब वो क्या करते हैं, मोहन को देखते हैं और जो लूडो जो खेल रहे थे सब खेल वेल छोड़ देते हैं। अब रीता पैसों का पेड़ बात समझ में नहीं आई, या वो बच्ची थी थोड़ा समझदार भी थी या ना समझ भी थी, लेकिन वो कहती है पैसों का पेड़ तो लगता नहीं है। तो वो कहती है भाई मेरी समझ में तो कोई बात आई नहीं है। तो मिथुन कहता है बकता है, झूठ बोल रहा है। जैसे बच्चे आपस में बात करते हैं ना, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो झूठ बोल रहा है। तो मोहन कहता है यही सही, तुम लोग खेलो, मैं तो पैसों का पेड़ लगाने जा रहा हूँ। मोहन कहता है नहीं मानते मेरी बात तो मत मानो, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो भाई अपना चला पैसों का पेड़ लगाने। तो वीरू कहता है अरे हमें भी बताओ मोहन, हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। तो वो कहता है कि अब हमें भी बता दो कि हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं क्या? तो मोहन कहता है भाई विश्वास करने की बात है, विश्वास करो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। और कहता है भाई जब तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, अगर तुम विश्वास करते हो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो रीता कहती है हम विश्वास करते हैं, तुम बताओ भी। तो विमल कहता है कि कैसा होता है पैसों का पेड़, कि पैसों का पेड़ कैसा होता है। तो भी बहुत मोहन कहता है गमले के पौधे की ओर इशारा करता हुआ कहता है कि ऐसा ही होगा पैसों का पेड़, इस पौधे में फूल खिलते हैं उसमें पैसे लगेंगे। वो कहता है जैसे ये आम पौधे हैं ना, ऐसा ही पैसों का पेड़ होता है, तो उस इनमें तो फूल लगते हैं और उसमें पौधे में क्या लगेंगे, पैसे लगेंगे। तो मिथुन को बड़ा आश्चर्य होता है और उसके साथ साथ बड़ी खुशी भी होती है, और सोचता है अरे वाह भैया अब तो पैसे आ जाएंगे है ना, बहुत पैसे मिलेंगे। तो वो कहता है कि पैसे लगेंगे। तो मोहन कहता है और क्या, एक आना बोओगे तो 54 लगेंगे। अब वो कहता है कि अगर एक आना बोए तो 4 आने, यानी कि एक आने पर 4 आना यानी 54 लगेंगी, 54 बोओगे तो 58, और 58 बोओगे तो रुपए लगेंगे। तो सभी उत्सुकता और आश्चर्य से कहते हैं सच में ऐसा होता है, ऐसा भी कोई जादू है। तो मोहन जादूगर की तरह, पर एक मंत्र पढ़ना पड़ता है। अब वो कहता है कि एक मंत्र तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो वीरू कहता है हमें बताओ मंत्र मोहन। तो मिथुन कहता है कि बताएगा क्यों नहीं, मोहन तो हमारा अच्छा दोस्त है, क्यों मोहन। अब सारे उसकी क्या करते हैं, चापलूसी सी करने लगते हैं, बटरिंग करने लगते हैं, और कहते हैं भैया ये तो हमारा दोस्त है, हमें तो वो बताएगा ही बताएगा। तो विमल कहता है फिर तो हमें घर से पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कि अब हम घर से पैसे लेते हैं ना, तो अब हमें घर से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम तो अपने पेड़ से ही पैसे तोड़ लिया करेंगे। तो रीता कहती है यह तो बहुत बढ़िया बात होगी, ये तो बड़ी मज़ेदार बात हो गई भाई, और मज़े से वो ताली बजाती है बड़ी खुशी से। कहाँ बोएंगे हम पैसे? तो मोहन कहता है गमलों में बो सकते हो। मोहन क्या कहता है कि गमलों में बो सकते हो, और इनका पौधा इतनी जल्दी निकलता है कि ताज्जुब में पड़ जाओगे। वो कहता है कि तुम गमलों में बो सकते हो, और जो हम फूलों के पौधे बोते हैं वो तो थोड़ा टाइम भी लेते हैं, लेकिन ये इसका जो पौधा है पैसों का वो तो बहुत जल्दी निकलता है। तो रीता मंत्र तो बताओ। तो बीरू लिख लो मंत्र, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है ना। तो मोहन दिमाग पर जोर देते हुए, कौन सा दिन है आज, एक जैसे स्टाइल से मारते ना, क्या मतलब तरीके से कि आज कौन सा दिन है। तो मिथुन कहता है मंगलवार, कि आज मंगलवार है। तो मोहन कहता है बहुत ठीक, बहुत बढ़िया, आज मंगलवार है तो बन गया काम, यह पेड़ मंगल के दिन ही लगता है, 4-5 दिनों में पैसे देने लगता है। और कहता है मज़ा आ गया भाई, आज तो मंगलवार है और ये पैसों का पेड़ भी मंगलवार को लगता है, और 4-5 दिन में ये पैसे भी देने लगेगा। तो वीरू मंत्र तो बताओ। अब मोहन ढोंग करते हुए, अभिनय करते हुए, हाँ हाँ अभी लो कुछ याद करके अब लिखो। सब बच्चे कागज पेंसिल निकाल लेते हैं। मोहन जय पैसा महाराज, श्री श्री पैसा महाराज की जय। अब उसका मंत्र क्या था, ये झूठा मूठा मंत्र था, और ये वो बच्चों को अंड बंड फंड ये सारा मंत्र ही झूठा मूठा ये बच्चों को बताता है। छू मंत्र, हाथ से बच्चों को रोक कर यहाँ पर फूंक मारनी है। अब कुछ तो उसमें स्टाइल भी दिखाना है ना, कोई तरीका तो दिखाना है, तो वो तरीका दिखाता है और कहता है कि यहाँ पर फूंक मारनी है। तो इस तरह पेड़ लगे पैसे उगे, जैसे जय पैसा महाराज, मतलब पेड़ मतलब पैसों का पेड़ लगे और पैसा महाराज उग जाए। छू मंत्र जो है फूंक मार के आगे का मंत्र वो पूरा करता है। कलकत्ता वाली, हिमालय वाली, मद्रास वाली देवी की जय, सारे देवियों की वो जय बोल देता है। इसके बाद 3-4 पल तक पैसे का ध्यान करना
और आगे लिखे कुछ सोचकर, अंड बंड फंड छूमंतर छूमंतर छूमंतर, ऐसे बोल करके एक क्षण रुककर, बस इतना सा ही है मंत्र, अच्छा मैं अपना पेड़ लगा। वो कहता है इतना मंत्र फूंकता है और फिर कहता है कि मैं अपना पेड़ लगाने जा रहा हूँ। मोहन संदूकची लेकर जाता है, सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अब मोहन तो संदूकची लेकर के चला गया। अब मिथुन कहता है कि मेरे पास तो चवन नहीं है, जेब से निकाल कर दिखाता है। वीरू, मेरे पास तो कुछ नहीं है गीता, मैं मम्मी से मांग कर अभी लाती हूँ। विमल, अठन्नी लाना रीता, हम भी अठन्नी ले आए। और क्या, बोना है तो अठन्नी बोए, जब हमें बोने हैं पैसे तो हमें अठन्नी बोनी है। तो वो वीरू कहता है कि फिर रुपए लगेंगे, मैं भी ले आऊँ, फिर बोएंगे कहाँ, तो रीता से गमले मांग लेंगे, रीता के पास से हम गमले मांग लेंगे, इसके यहाँ बहुत से गमले खाली पड़े हैं। सब बच्चे कहते हैं कि इससे हम गमले ले लेंगे, इसके पास तो बहुत सारे गमले खाली पड़े हैं। वीरू, स्वीकृति मतलब उसमें स्वीकृति जताते हैं कि भाई यहाँ तो बहुत सारे गमले खाली पड़े हैं, अब हम इससे जो है रीता से मांग लेंगे, तो सब हाँ में से हिलाते हैं। तो वो अब क्या होता है कि यह ठीक है, सब लोग यही गमलों में पैसे बोए, देखिए किसका पेड़ जल्दी निकलता है। अब सब में ये हो गया कि देखते हैं भाई किसका पेड़ सबसे पहले निकलता है। तीनों भाग जाते हैं, तब मोहन मंच पर आता है, गर्व से चारों ओर देखता है। अब मोहन की ये युक्ति जो थी, ये जो तरकीब थी, ये कारगर साबित हो गई। अब बच्चे तो पैसे लेने चले गए, अब मोहन को अपने ऊपर एक गर्व सा महसूस होता है कि देखा, वैसे तो चंदा दे नहीं रहते, लेकिन पैसों के पेड़ के लालच में देखो अठन्नियाँ बोने चले हैं, और अब इनसे मैं कैसे चंदा लेता हूँ। मोहन चुटकी बजाकर अब पेड़ लगाकर रहेंगे, आहट सुनकर छिप जाता है। रीता गमला लिए हुए आती है, फिर सब बच्चे एक एक गमला उठाए मंच पर आते हैं और अपने अपने गमले में अठन्नी बोते हैं और मंत्र पढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे मोहन ने बताया था वैसे वैसे बच्चे करते जाते हैं। रीता से मिथुन पूछता है कि तूने क्या बोया, तो रीता कहती है मैंने तो अठन्नी बोई। क्या बोए, मैंने तो अठन्नी बोई। वीरू, मैंने भी अठन्नी बोई है। विमल, मैंने भी अठन्नी बोई है। और मिथुन, जरा पानी ला रीता, पानी तो दे दे। अब भाई जब पौधा बोया है तो पानी की भी आवश्यकता है। सभी बच्चों ने क्या किया, पानी डाला और जो है पैसे बो दिए। रीता पानी लाती है, बारी बारी सब गमलों में पानी डालते हैं। सब अपने अपने गमलों पर खड़िया से अपना नाम लिखकर कूदने लगते हैं। अब क्या करते हैं, वो अपना नाम लिख देते हैं गमलों पे कि ये किसका गमला है। रीता, अच्छा आओ अब चलें, अब हमने गमले में पैसे भी बो दिए, गमले में पानी भी दे दिया, अपना नाम भी लिख दिया, अब हम वापस चलते हैं। तो मिथुन कहता है हम लोग शाम को अपने पौधे देखने आएंगे। वीरू, नहीं जी, अभी थोड़ी देर बाद आकर देखेंगे। वीरू कहता शाम नहीं, अभी थोड़ी देर बाद ही आकर के देखेंगे। विमल, और क्या मिथुन, मोहन कहता था कि 4-5 दिन बाद उसमें पैसे रुपये लफलने लगेंगे, अभी चलें। सब बच्चे अपने अपने गमले दोबारा देखकर चले जाते हैं। मोहन जो अब तक छिपा हुआ था अपनी संदूक से कुछ पौधे तथा झंडे लिए हुए आता है और चारों ओर देखकर, अब उसने देखा कि सब बच्चे चले गए, अब वो क्या करता है कि अपनी संदूकची और जो राष्ट्रीय झंडे लाया था वो लेकर के आता है, चारों तरफ निगाह घुमा करके वो देखता है और सोचता है यह रही करामात, खुद अपनी पीठ ठोकना। अब वो अपनी आपको शाबाशी देता है, वाह रे मोहन वाह, तूने तो क्या कमाल कर दिया। मोहन एक गमले की मिट्टी हटाकर अठन्नी निकालता है, उसे परखता है और चंदे वाली संदूकची में डाल लेता है। इसी तरह वह चारों अठन्नियाँ खोद खोद कर संदूकची के हवाले करता है और उनमें एक एक पौधा लगाकर चलने को होता है। अब वो क्या करता है कि सबके पैसे निकालता है और उनमें एक एक पौधा लगा करके वो जो है चलने लगता है। तो मोहन, पूरे 2 रुपए आ गए चंदे में, सब बुद्धू बन गया। वो कहता है भाई चारों ने अठन्नी बोई तो मेरे पास तो 2 रुपए आ गए और सबको मैंने क्या करा, बुद्धू भी बना दिया। प्रसन्नता से हंसता है और संदूकची के पैसे खनखना करके चला जाता है, अंड बंड फंड छू मंतर। वो क्या कहता है, फटाफट वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है उस मंत्र को पढ़ते हुए। चारों बच्चे खिलखिलाते हुए प्रवेश करते हैं। उन्हें तो ये लग रहा था कि भाई हमारे तो गमलों में पौधे आएंगे, और गमलों से निकले हुए पौधे देखकर एकदम खुशी से चीख पड़ते हैं। अब पौधे लगा दिए थे मोहन ने, तो वो अब क्या करता है, बड़ा खुश हो जाते हैं चारों बच्चे कि हमारे तो पौधे निकल आए पैसों के। तो रीता, मेरा पौधा निकल आया, ताली बजाकर नाचने लगती है। वीरू, मेरा सबसे बड़ा है, खूब तालियां बजाता है। मिथुन, मेरा बड़ा है, नाप लो, कूदने लगते हैं। मतलब सभी बच्चे बड़े खुश होते हैं, चारों खुशी से नाचने लगते हैं। तभी मोहन झंडे लिए प्रवेश करता है। मोहन, बड़ी खुशियाँ मना रहे हो। तो मिथुन कहता है हमारे पौधे निकल आया। वो कहता है कि बड़ी तुम्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी खुशियाँ मना रहे हो। तो मोहन कहता है आओ तुम झंडे लोगों के झंडे लगा दूँ। मोहन कहता है कि आओ तुम लोगों के मैं झंडे लगा दूँ। तो वीरू, तुमने ये झंडे लगा दिए, हमने अभी चंदा कहाँ दिया। वो कहता है कि तुम ये झंडे क्यों लगा रहे हो हमारे, अभी हमने तो तुम्हें चंदा दिया ही नहीं है। तो मोहन कहता है तुम लोगों का चंदा हमें मिल गया है, वह हमने जमा भी कर दिया है। अब मोहन कहता है कि भाई तुम लोगों का जो चंदा था वो तो हमारे पास आ भी गया और हमने उसे जमा भी कर दिया। आखिर पैसे के पेड़ लगाए थे तुम लोगों ने,
कहता भैया तुम लोगों ने तो पैसों का पेड़ लगाया था तो इसलिए तुम्हारा चंदा तो पहले से पहले आ गया। मिथुन कुछ कुछ समझ कर क्या मतलब। मोहन हंसकर कहो कैसी रही। रीता से रिलाकर पर प्रसन्नता से तो तुमने हमें चकमा दिया यानी कि तुमने हमें बेवकूफ बनाया। तो मोहन हमें एक अच्छे काम के लिए चंदा वसूल करना ही था इस तरह आसानी से हो गया। वो कहता है कि हमें एक अच्छा काम करना था और अच्छे काम में कभी भी हमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। ये तो एक बाढ़ पीड़ित होगा था लेकिन कोई भी काम हो बच्चों हमेशा अच्छे कार्य में कभी भी हमें देर नहीं करनी चाहिए उसे करने में। कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं है ना, कोई बुजुर्ग है उसे सड़क पार करानी है और हम लोग ये सोच के छोड़ देते हैं कि हमें स्कूल को देर हो जाएगी। नहीं, हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें पहले अपने उस कार्य को पूरा करना चाहिए कि हमें उस बुजुर्ग की सहायता करनी चाहिए। देर भले ही हो जाएगी, ये निश्चित है कि देर हो जाएगी, लेकिन जब आप स्कूल में जाकर के अपने बताएंगे कि भाई किस वजह से आपको देर हुई है या आप क्या कार्य कर रहे थे तो सभी आपकी सराहना करेंगे क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कार्य है। तो कोई भी अच्छा कार्य होता है तो कोई भी इस कार्य के लिए आपको कभी भी गलत नहीं ठहराएगा। हमेशा अच्छे कार्य का अच्छा ही फल मिलता है। तो वीरू कहता है पर तरकीब खूब सोची। वाह भाई वाह, सब बच्चे दिल खोलकर हंस पड़ते हैं। मिथुन अच्छा मोहन आओ अब लूडो खेलें। लूडो बिछाने लगता है और सब हंसते हैं। मतलब ये बच्चों का खेल है ना, बच्चों की तरह ही हमें इसे समझना चाहिए। बच्चों अगर ये पाठ आप लोग अपनी कक्षा में इसी तरीके से पात्र बन करके खेलेंगे तो ये एक आपके लिए मैसेज भी होगा और आप एक मैसेज ये जो है वो और बच्चों को भी दे सकते हैं कि हमें हर कार्य को अच्छे कार्य को हमेशा करना चाहिए, उसके विषय में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस समय वो कार्य हमारा सही साबित ना हो लेकिन कभी ना कभी ऐसा अवश्य होता है कि उस कार्य की सराहना पूरा समाज करता है और अच्छे कार्य के लिए कभी भी हमें पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तो आइए बच्चों इस पाठ से संबंधित अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा अभ्यास वही OMR शीट पर हम लोगों को काम करना है। तो आइए देखते हैं कि OMR शीट पर हम किस तरीके से हम रंगेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है मंच पर कितने गमले रखे हैं। तो ऑप्शन है इसका 8, 9, 10 या 10, 12। तो मंच पर कितने गमले रखे थे बेटा, 10, 12। तो हम जाएंगे इसके ऑप्शन डी के साथ। इसके बाद आते हैं कि मेज के इर्द गिर्द कितने बच्चे बैठे हुए हैं। चारों तरफ कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 3, 4, 5 या 4, 5। तो हमारा आएगा ऑप्शन डी इसमें भी 4, 5, क्योंकि चैप्टर में 4, 5 शब्द दिया हुआ है। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम या शतरंज। तो बच्चे खेल रहे हैं लूडो। तो हम इसके जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। मोहन किसके लिए चंदा जमा कर रहा था, अनाथों के लिए, असहायों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए या इन सभी के लिए। तो मोहन किसके लिए कर रहा था, बाढ़ पीड़ितों के लिए। तो हम इसके सी ऑप्शन के साथ जाएंगे यहाँ पर। इसके साथ ही मोहन कहाँ के लोगों के लिए चंदा एकत्र कर रहा है, बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए या झारखंड के लिए। तो मोहन बिहार के लिए, बिहार के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। तो ये तो हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। अब आइए हम देखते हैं दूसरी एक्सरसाइज, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति पहला है, हाँ भाई हजारों लोग बेघर बार हो गए। यहाँ पर क्या आएगा रिक्त स्थान में, पहले में बेघर बार यानी कि उनके घर तबाह हो गए। तुम भी मोहन ये बेकार के ले बैठते हो, तुम भी मोहन ये बेकार के पछड़े ले बैठते हो। या तो आप पछड़े शब्द भी लगा सकते हो या काम भी लगा सकते हो कि तुम ये बेकार के काम ले बैठते हो। अब तीसरा आता है कि तुम्हारा दिया चंदा दूसरे के पेट में जाएगा, तुम्हारे द्वारा दिया गया चंदा दूसरे के पेट में जाएगा। इसके बाद आता है सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। जब क्या होता है, मोहन उन्हें असलियत बताता है तो सारे बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। इस मंत्र से पैसों का पेड़ लगाया जा सकता है। तो ये तो हमारे हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब आते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज पे कि चंदा कौन इकट्ठा कर रहा था, चंदा मोहन इकट्ठा कर रहा था। बाढ़ से लोगों का क्या नुकसान हुआ था, बाढ़ से लोगों के घर तबाह हो गए थे, उनके पास खाने का कोई भी साधन नहीं रहा था, बिल्कुल खाना एक एक दाने के लिए वो लोग मोहताज हो गए थे और पहनने के लिए उनके पास चिथड़े तक नहीं रहे थे। मोहन के दोस्तों ने उसकी मदद क्यों नहीं की,
मोहन के दोस्तों ने उसकी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि एक तो उस समय वो लोग लूडो खेल रहे थे, दूसरा उन्हें ये लगता था कि मोहन बेकार का पछड़ा पाल रहा है, ये ऐसे नहीं, इतना आसान काम नहीं है और ये काम तो सरकार का है, कि उनकी सोच थोड़ा मोहन से भिन्न थी। वो यही सोच रहे थे कि ये तो हम खेल रहे हैं और ये खेल तो रहा नहीं है हमारे साथ। तो आप बच्चों जब इसका आंसर लिखेंगे तो इसके आंसर में आप सीधे यही लिखेंगे कि मोहन के दोस्तों ने उसकी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि उस समय एक तो वो लूडो खेल रहे थे और दूसरा उनकी सोच ये थी कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो सरकार ही उन लोगों की मदद करेगी। इसके बाद आता है मोहन के दोस्त उसे बार बार क्या करने के लिए उकसा रहे थे। तो मोहन के दोस्त उसे बार बार लूडो का खेल अपने साथ खेलने के लिए उकसा रहे थे। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज हुई। अब आते हैं हम अगली एक्सरसाइज पे, ये हमारी भाषा से संबंधित। तो यहाँ पर आपको रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो रेखांकित शब्द है उसके आप लिंग परिवर्तित करके यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों पहला वाला है, विद्यालय में आयोजित कवि सम्मेलन में 10 कवि और 5 आई थी। अब यहाँ पर कवि को इन्होंने रेखांकित नहीं किया है लेकिन हमें कवि शब्द का ही यहाँ पर लिंग परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर शब्द आएगा 5 कवियत्री, 10 कवि और 5 कवियत्री आई थी, कवियत्री, ठीक है। इन दिनों राजा श्रेष्ठ अभिनेता और रानी श्रेष्ठ अभिनेत्री है। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं और शिक्षिका हिंदी पढ़ाती हैं। आश्रम में तपस्वी और तपस्विनी, तपस्विनी जो है वो तपस्वी का लिंग परिवर्तन है अर्थात स्त्रीलिंग है, तप करते हैं। प्रेमचंद विद्वान थे और महादेवी वर्मा विदुषी थी। विद्वान का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो बनेगा विदुषी। तो यहाँ पर हमारी ये एक एक्सरसाइज पूरी हुई। अगली है, नीचे उपसर्ग के साथ एक एक शब्द दिया गया है, आप दो शब्द और बता देती हूँ कि हम कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे बेघर बार का बेइज्जत हो गया है ना, बेचैन हो गया, बदबू है ना, बद से हो गया, बदकिस्मत हो गया, बदनाम हो गया, कमज़ोर तो इसमें हो गया, कमबख्त हो गया, कम अक्ल हो गया, गैर हाजिर, गैर कानून, गैर जिम्मेदार, हम सफ़र का हो गया, हमराज है ना, और दरअसल है जैसे दर का हो गया, दरकिनार, दरख्त, दरगाह, और इसमें ब से हो गया क्या, बाकायदा, और बाइज़त, खुशबू, खुश से, खुश दिल, खुश नुमा, इन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आइए अब अगले अभ्यास पर चलते हैं। निर्देशानुसार उत्तर छांटकर सही का टिक लगाना है हमें। वह शब्द जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब यहाँ पर हमें बच्चों चार ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु, ईश्वर, दिल्ली और नारी। इनमें से हमें वो शब्द छांटना है जो जातिवाचक संज्ञा का रूप नहीं है। गुरु भी जातिवाचक संज्ञा, ईश्वर, दिल्ली, नारी। अब बताइए नारी भी जातिवाचक हो गया, ईश्वर है या नहीं है? शायद है ना, शायद नहीं, पक्का है, ईश्वर की तो जाति होती है भाई, सारे ईश्वर है तो। लेकिन दिल्ली जो है वो जातिवाचक संज्ञा में नहीं आती, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। दूसरा आता है हमारा माता की भाववाचक संज्ञा है, मातृत्व, मातृ, मात्रा, माते, माता की भाववाचक संज्ञा होती है मातृत्व। तीसरा है हमारा राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्र, राष्ट्रत्व, राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी हुई राष्ट्रीयता, ठीक है ना। सज्जनता शब्द की जातिवाचक संज्ञा सज्जन, सजा, सजना, सज्जा। तो सज्जन शब्द की जातिवाचक संज्ञा होगी सज्जन। ये सज्जनता शब्द है, सज्जनता की जातिवाचक संज्ञा क्या है? सज्जन। तो व्यक्तित्व उदाहरण किसका है? विशेषण का, सर्वनाम का, अव्यय का या भाववाचक संज्ञा का। तो व्यक्तित्व जो उदाहरण है वो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण मद्रास, नरेश, सेना या बुराई। तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है सेना। तो यहाँ ये हमारा अभ्यास यहाँ पर समाप्त होता है। तो आगे का आज का हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है, जो हमारा बहुत ही मज़ेदार और जो है नाटक शैली पर आधारित यह पाठ था। यदि आप इस पाठ को अपनी कक्षा में करेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा और ये पाठ बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो अगला पाठ लेकर के मैं आपके कक्षा में फिर से आऊँगी, तब तक के लिए।